टॉप 5 बेस्ट सैमसंग 5G फोन्स अंडर ₹15,000। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 तक है और इस प्राइस में आप सैमसंग का एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि काफी रिसर्च, रिव्यू और एनालिसिस करने के बाद हमने 5 फोन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। ये 5 स्मार्टफोन प्राइस के अकॉर्डिंग तगड़े फीचर के साथ आता है। इनमें से अगर आप किसी को भी खरीदते हैं तो बाद में आपको कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। सभी फोन का फीचर काफी अच्छा है, लाइक कैमरा आपको जो है काफी बेस्ट मिल जाएगा, 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला, साथ में बैटरी बैकअप कम से कम 5000 mAh का मिलेगा ही। साथ ही दोस्तों प्रोसेसर काफी पावरफुल दिया गया, जिससे कि 3-4 घंटा रेगुलर इन सभी स्मार्टफोन में गेम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्मार्टफोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी इन 5 में से आप एक अच्छा फोन ढूंढ पाएंगे। तो हमारे लिस्ट में 5th नंबर पे आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है ये, काफी अच्छे फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा फीचर इस फोन में तगड़ा मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोन के हम कैमरे से स्टार्ट करते हैं, तो काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। बैक साइड में 3 कैमरा मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस दिया गया है जो कि OIS सपोर्टेड है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए आ जाता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अच्छी बात यह है कि ₹15,000 के प्राइस में आपको कैमरा काफी परफेक्ट मिल रहा है। 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बैक साइड के कैमरे से 30fps पर, और फ्रंट कैमरे से 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 30fps पर। काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी दिया गया है, काफी अच्छा क्वालिटी में फोटो वगैरह क्लिक कर पाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी वगैरह काफी बेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ₹15,000 के प्राइस में ऐसा डिस्प्ले आपको जल्दी किसी भी ब्रांड के फोन में नहीं मिलेगा। 6.5 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आ जाता है और 1000 nits तक का पिक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है। काफी अच्छा पैनल मिल जाता है, और वैसे भी सैमसंग का एक खासियत है कि लो बजट में काफी अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो इस फोन के डिस्प्ले की तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गेमिंग काफी मजे से कर पाएंगे, क्योंकि एमोलेड पैनल है, वीडियोज वगैरह देखने में आपको काफी आनंद आएगा। चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो एक्सिनोस 1280 का 5G चिपसेट दिया गया है, 5 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, 3-4 घंटा रेगुलर आप इस फोन में गेम प्ले कर सकते हैं। इतने में आपको ना तो कोई हीटिंग इशू देखने को मिलेगा और ना ही फोन लैग करेगा। बाकी एंड्रॉइड 14 के साथ आ जाता है, One UI 6 पे वर्क करता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी काफी हैवी लेवल का दिया गया है। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ₹15,000 लगाए हैं तो ये फीचर जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आपको सभी फीचर काफी अच्छा लगेगा प्राइस के हिसाब से। चलिए इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं। तो दोस्तों 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी आपको 25W का एडाप्टर मिल जाता है चार्जिंग के लिए। फुल चार्ज होने में करीब 1.5 घंटे तक का टाइम लगता है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड आपको जो है एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी दिया गया है। लेकिन बैटरी बैकअप आपको काफी तगड़ा मिलने वाला है इस फोन में। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो 2 दिन आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। हाई यूज करते हैं पूरे दिन वीडियोज देखने के लिए या फिर गेमिंग के लिए, फिर भी आपको जो है 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप ये फोन आराम से देगा। चलिए अब इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो काफी अच्छा लुक देता है, बैक साइड में ज़्यादा कुछ डिजाइन देखने को मिलता नहीं है। 208 ग्राम वेट के साथ ये फोन आता है, तो थोड़ा सा हैवी फील कराता है, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है जिसके चलते। साथ ही इस फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो 2 5G SIM कार्ड एक साथ यूज करेंगे या फिर 1 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड। और सिक्योरिटी के लिए साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। सिंगल स्पीकर के साथ आता है। तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन काफी अच्छा है, पसंद होगा आपको। तो ₹15,000 के बजट में दोस्तों काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है ये, थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफी अच्छा है। तो अगर आप सैमसंग का फोन लेने जा रहे हैं तो इस फोन को जरूर आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। अब हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। हाल ही में लॉन्च किया गया काफी अच्छा स्मार्टफोन है, मार्च मंथ में ही लॉन्च हुआ है। 13-14 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में ये फोन आपको मिल जाएगा। इतना कम प्राइस में आपको काफी अच्छा फीचर इस फोन में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से ही। तो 6.6 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया इस फोन में, जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। काफी अच्छा पैनल है, एमोलेड स्क्रीन आपको जल्दी ₹15,000 तक वाले 5G फोन में देखने को नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है कि इस फोन में दिया गया है, तो कम प्राइस में आपको काफी अच्छा फीचर मिल रहा है। डिस्प्ले की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वीडियो क्वालिटी वगैरह काफी अच्छा देता है, गेमिंग करने में भी आपको काफी मजा आएगा। वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और कैमरा फीचर में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR पैनोरमा जैसे फीचर भी दिया गया है। तो प्राइस के हिसाब से काफी ठीक ठाक कैमरा सेटअप मिल जाता है, काफी अच्छा फोटो वगैरह क्लिक कर पाएंगे, कोई भी शिकायत का मौका नहीं देखने को मिलेगा आपको फोटो वगैरह क्वालिटी में। इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ का 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा 5G प्रोसेसर है, नया चिपसेट है ये, जो कि लेटेस्ट के सभी स्मार्टफोन में डाला जा रहा है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मल्टीटास्किंग वगैरह को काफी अच्छे
से हैंडल कर लेता है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये फोन आ जाता है, वन UI 6 पे वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन पीछे नहीं है, प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे देता है। 2.5-3 घंटा रेगुलर आप इस फोन में गेम प्ले कर सकते हैं, इतने में आपको कोई भी हीटिंग इशू या फिर लैगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और वो भी फुल सेटिंग में आप गेम प्ले कर पाएंगे। तो काफी अच्छा प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है। चलिए इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो 6000 mAh का बैटरी दिया गया और उसी को चार्जिंग के लिए 25W का एडाप्टर मिलता है। काफी अच्छा है बैटरी बैकअप, आपको काफी अच्छा इस फोन में देखने को मिल जाएगा। 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिलेगा अगर फोन को हैवी यूज करते हैं फिर भी। लेकिन दोस्तों चार्जिंग स्पीड में आपको जो है थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी पावरफुल बैटरी दिया गया है। करीब जो है 1.5 से 2 घंटे तक का टाइम लगता है 0 से 100% तक चार्ज होने में। अगर आप पावरफुल एडाप्टर लगा सकते हैं तो इसमें आपको जो चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट मिल जाएगा। तो इस फोन का जो बैटरी बैकअप है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी जल्दी आपको जो है 15-16 हज़ार रुपए वाले फोन में नहीं मिलता है। वैसे भी ये फोन आपको जो 13 से 14 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज में ही मिलेगा। चलिए इस फोन के बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का दिया गया है, 217 ग्राम वेट के साथ आता है, तो थोड़ा सा लेंदी फील करा गया फोन, यानी कि थोड़ा सा भारी है। बाकी आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा इस फोन में। हाइब्रिड स्लॉट मतलब कि आप 2 5G सिम कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर 1 सिम कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। तो काफी अच्छा है डिजाइनर, बिल्ड क्वालिटी में देखने में काफी प्रीमियम सा लगता है। एवरेज डिजाइन के साथ ही आता है, बैक साइड में कोई आपको डिजाइन वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। ये फोन आपको 14000 रुपए के तक में मिल जाएगा, तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट के अगले फोन की। तो हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। अगर आपको सैमसंग का ही एक ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेना है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए इस फोन के डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का दिया गया है, 206 ग्राम वेट के साथ आता है, तो थोड़ा सा हैवी फील कराता है ये फोन। और इसमें अच्छी बात यह है कि डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, तो 2 5G सिम कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड भी आप एक साथ ही यूज कर पाएंगे। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फोन आता है। देखने में काफी सिंपल सा स्मार्टफोन है, डिजाइन मतलब उतना कुछ खास है नहीं, एवरेज डिजाइन के साथ ही आता है। बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह थोड़ा सा देखने को मिलेगा अगर गीले हाथ से फोन को पकड़ते हैं तो। बाकी सब फीचर काफी अच्छा है। चलिए इस फोन के सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन मिल जाता है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा डिस्प्ले है, 12-13 हज़ार रुपए के प्राइस में ये फोन आपको मिलेगा। एमोलेड स्क्रीन नहीं मिल रहा है, अगर 15 हज़ार रुपए प्राइस होता तो एमोलेड स्क्रीन भी जरूर मिल जाता है सैमसंग के फोन में। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले काफी परफेक्ट है। वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात करते हैं कैमरे की। तो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 50 MP का मेन लेंस मिल जाता है, 2 MP का माइक्रो और डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 13 MP का कैमरा है। बैक और सेल्फी दोनों कैमरे से 30 FPS पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस मिसिंग है। और वैसे भी इतना कम प्राइस फोन में अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं भी दिया गया तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जैसा अमाउंट लगाओगे आपको वैसा ही फोन मिलेगा। लेकिन इस प्राइस पे काफी अच्छा फोन है। इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो पिछले वाले फोन की तरह इसमें भी 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है। चार्जिंग के लिए 25W का एडाप्टर दिया गया है। 0 से 100% तक चार्ज होने में करीब 2 घंटे तक का समय लग जाता है। और बैटरी बैकअप तो आपको आराम से 2 दिन तक का देगा हैवी यूज करने के बाद भी। बैटरी बैकअप में तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए आप अलग से हाई स्पीड वाले एडाप्टर को यूज कर सकते हैं। इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो Exynos 1330 का 5G चिपसेट दिया गया, 5 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा 5G चिपसेट है, लेकिन पुराना स्मार्टफोन है इसलिए ये प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन 2023 के मार्च मंथ में ही आया है, अगर 2024 में आया होता तो इसमें भी लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, एंड्रॉइड 13 पे वर्क करता है, 1 UI Core 5.1 के साथ आता है। परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है, फुल सेटिंग में 2-3 घंटा रेगुलर गेम प्ले कर सकते हैं, कोई भी शिकायत का मौका मिलेगा नहीं पबजी फ्री फायर या फिर COD जैसे गेम को। कुल मिलाकर इस फोन के बारे में कहा जाए तो 12000 रुपए के प्राइस में आपको काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। लो बजट में आपको इससे अच्छा फोन नहीं मिलेगा, तो खरीदने से पहले जरूर आप इस फोन को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है ये भी, 12 से 13 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज में ये फोन आपको मिलेगा। सैमसंग की तरफ से आने वाला काफी सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिल जाता है इस फोन का। 206 ग्राम वेट के साथ आता है, तो ये फोन भी आपके थोड़ा सा हैवी फील कराएगा। डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जो कि एक प्लस पॉइंट है, 2 5G सिम कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फोन आ जाता है जो कि काफी फास्टली वर्क करता है। तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी के मामले में उतना कुछ खास है नहीं, एवरेज डिजाइन देखने को मिलता है। अगर आप फोन को गीले हाथ से पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फिंगरप्रिंट के निशान भी देखने को मिल सकता है बैक साइड पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन है जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है। काफी अच्छा अल्ट्रा
स्मूथ स्क्रीन दिया गया है। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा स्क्रीन है, वीडियोस वगैरह देखने में आपको काफी मजा आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो बैक साइड में दो ही कैमरा दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। काफी ठीक ठाक कैमरा दिया गया है प्राइस के हिसाब से। नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR पैनोरमा जैसे फीचर भी मिल जाएगा कैमरे में, तो काफी अच्छा कैमरा कह सकते हैं। आपको फोटो वगैरह काफी अच्छा क्लिक करके दे देता है। चलिए इस फोन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए काफी पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। Exynos 1330 का 5G प्रोसेसर है जो कि 5 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा चिपसेट दिया गया है। 2-3 घंटा रेगुलर भी गेम प्ले करेंगे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को तो उतने में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ज्यादा गेम प्ले करते हैं तो आपको हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है फोन में। बाकी दोस्तों एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और वन UI कोर 5.1 पे वर्क करता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस में है। अब इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 6000mAh का बैटरी दिया गया, उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25W का एडाप्टर मिल जाता है। तेजी से तो नहीं चार्ज हो पाएगा क्योंकि ओनली 25W का ही एडाप्टर है। 0 से 100% तक चार्ज करने में करीब जो है 1 घंटे 45 मिनट से लेकर जो है 2 घंटे तक का टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग के लिए आप अलग से हाई स्पीड वाले एडाप्टर को यूज कर सकते हैं। बाकी बैटरी बैकअप आपको दोस्तों नॉर्मली 2 दिन तक आराम से मिलेगा हैवी यूज करने के बाद भी। तो सभी मामले में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। सभी फीचर प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ा दिया गया है। अगर आपको 12-13 हजार रुपए की रेंज में एक अच्छा सैमसंग का फोन चाहिए तो जरूर आप इस फोन को चेकआउट कीजिएगा। अब टॉप पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। उन सभी स्मार्टफोन से थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इस फोन का प्राइस भी उन सभी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फोन आपको 15,000 रुपए के अंदर में ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के बारे में हम डिटेल से। तो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन में ये फोन थोड़ा सा प्रीमियम सा देखने में लगता है, 208 ग्राम वेट के साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों माइनस पॉइंट ये है कि ये फोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ ही आता है, तो 2 5G SIM कार्ड एक साथ यूज करेंगे या फिर 1 SIM कार्ड के साथ 1 मेमोरी कार्ड। बाकी आपको सिंगल स्पीकर के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा इस फोन में। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, एवरेज ही, लेकिन काफी अच्छा है उन सभी स्मार्टफोन से। चलिए इस फोन के मेन मेन फीचर की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और साथ में 1000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पे। डे लाइट या फिर आउटडोर कहीं पे भी फोन को यूज करेंगे ब्राइटनेस प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी अल्ट्रा स्मूथ स्क्रीन है, वीडियो वगैरह देखने में काफी मजा आएगा और आप तो जानते ही होंगे कि एमोलेड स्क्रीन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है। इस फोन के कैमरे की बात करें तो कैमरे में भी ये फोन पीछे नहीं है। बैक साइड में 3 कैमरा मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है जो कि OIS को सपोर्ट करता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी मिल जाएगा। बाकी सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है फ्रंट में। अच्छी बात यह है कि बैक कैमरे से आप 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और सेल्फी कैमरे से 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल कहें तो प्राइस के हिसाब से कैमरा सेटअप काफी तगड़ा दिया गया है, साथ में डिस्प्ले भी नंबर 1 क्वालिटी का मिल जाता है। 15,000 रुपए की प्राइस तक में और आपको क्या चाहिए। कैमरे की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1280 का 5G प्रोसेसर है, 5 नैनोमीटर पे बना है, तो इसमें परफॉर्मेंस में भी काफी ठीक ठाक है। 2.5-3 घंटा आप रेगुलर फुल सेटिंग में गेम प्ले कर सकते हैं। एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिल जाएगा ये फोन। One UI 5.1 पे वर्क करता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी ठीक ठाक है। बाकी बैटरी बैकअप वही सैमसंग का किसी भी फोन को आप ले लें तो 6000mAh का बैटरी जरूर मिलेगा। 25W का एडाप्टर दिया गया है, आराम से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है, किसी भी फीचर में आपको जो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे इस फोन का प्राइस 15,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का यूज करते हैं तो आराम से 15,000 रुपए के अंडर ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इन 5ों में से कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।